दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए शाहिद अफरीदी वाली पीसीबी टीम की नई चयन समिति ने टीम की घोषणा कर दी है। दोस्तों, टीम के कप्तान बाबर आजम बने रहेंगे। वहीं दोस्तों, टीम में हरीश राउत की वापसी हो रही है, जिससे पाकिस्तान टीम की गेंदबाजी लाइनअप और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, शाहिद अफरीदी को टीम में जगह नहीं दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा उस्मान मीर टीम में एक नया चेहरा है। दोस्तों, टेस्ट में 4 साल वापसी करने वाले पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को भी टीम में जगह नहीं मिली है। दोस्तों, हारिस राउत के साथ फखर जमान और हारिस सोहेल की भी टीम में वापसी हुई है। तो तैयब ताहिर, उस्मान मीर और कामरान गुलाम को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। तीनों मुकाबले कराची में खेले जाएंगे। दोस्तों, पहला मुकाबला 9 जनवरी, दूसरा 11 जनवरी और तीसरा 13 जनवरी को खेला जाएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम इस प्रकार है। बाबर आजम कप्तान, फखर जमान, हारिस राउत, हारिस सोहेल, इमाम उल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान आगा, शाहबाज दहनी, शान मसूद, तैयब ताहिर और उस्मान मीर। इसके अलावा आपका फेवरेट कौन सा खिलाड़ी आप टीम में होना चाहिए, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।